हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्तुति आप सभी का अपने किचन में स्वागत करती हूँ। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए अलग अलग तरह की रेसिपीज लेके आए। आज हम आपके लिए ऐसे ही एक सरप्राइजेस से भरी इनोवेटिव रेसिपी लेके आए हैं। ये दिखने में तो बिल्कुल साधारण बंस की तरह लगते हैं, लेकिन जब हम इसे खाते हैं तो सडनली हमारे मुंह में कोकोनट का फ्लेवर आ जाता है। इसलिए हमने इस रेसिपी को नाम दिया है कोकोनट सरप्राइज स्वीट बंस। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और अब चलिए बनाते हैं कोकोनट सरप्राइज स्वीट बंस। कोकोनट सरप्राइज स्वीट बंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ईस्ट एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक बाउल में 1/4 कप गर्म पानी ले लेंगे। उसमें हम 2 चम्मच ड्राई ईस्ट डालेंगे, 2 पिंच शक्कर डालेंगे ताकि ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। इसको हम अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं और ईस्ट देखिए अच्छे से एक्टिवेट हो गई है, पूरे बबल्स भी आ गए हैं। अब हम डो रेडी करेंगे। डो के लिए हम एक बाउल में 2 कप मैदा ले लेंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे, 1/2 कप पाउडर्ड शुगर डालेंगे, 1/4 कप इसके बीच में हम एक गड्ढा करेंगे और एक्टिवेटेड ईस्ट इसमें डाल देंगे। ईस्ट को अच्छे से हम मैदे के मिश्रण के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से हम मैदे के मिश्रण के साथ मिक्स कर लेंगे। हमने ईस्ट और ऑयल को अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें गरम दूध डाल करके एक अच्छा सा सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। दूध बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि डो ज़्यादा गीला ना हो पाए। डो को करीब 10 से 15 मिनट तक हम अच्छे से मल करके रेडी करेंगे। हमने डो को रेडी कर लिया है, इसके ऊपर से हम ऑयल से ग्रीसिंग कर देंगे और अब हम इसे ढक करके किसी गर्म जगह पे 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि डो अच्छे से फूल जाए। 1 घंटे हो चुके हैं, देखिए डो पूरा फूल करके डबल साइज में हो गया है। अब हम अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और डो को पंच कर लेंगे। पंच करने से सारी हवा अंदर की निकल जाएगी और डो अपने एक्चुअल साइज में आ जाएगा। अब हम इसको एक बोट में निकाल लेंगे और मल करके इसको हम लंबा कर लेंगे। अब हम इसमें से बराबर बराबर पोर्शन काट लेंगे जिससे हम बंस बनाएंगे। इनको हम राउंड शेप में कर लेंगे। अभी हम रफली राउंड करेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर कोकोनट की स्टफिंग भरनी है। हमने सभी बाउल्स को राउंड कर लिया है। अब हम स्टफिंग रेडी करेंगे। उसके लिए हम एक बाउल में 2 चम्मच कोकोनट पाउडर और 1/2 चम्मच पाउडर शुगर को मिक्स कर लेंगे। अब हम एक डो का बॉल लेंगे, इसको हम गोल करेंगे, बीच में गड्ढा कर लेंगे जैसे हम आलू के पराठे वगैरह बनाते हैं उस तरह से। इसके बीच में हम कोकोनट की स्टफिंग रखेंगे और इसको हम अच्छे से भर के सील कर लेंगे। सील करने के बाद हम इसको एक बार फिर से राउंड कर लेंगे। इसको बिल्कुल चिकना राउंड करना है हमें, ज़्यादा क्रैक्स नहीं होने चाहिए ऊपर। ये देखिए हमने एक डो रेडी कर लिया है। इसी तरह हम बाकी के भी डो को स्टफिंग भर के रेडी कर लेंगे। हमने सभी डो को स्टफिंग भर के रेडी कर लिया है। अब हम इसे बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। ट्रे को भी हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से ताकि डो इसमें चिपके नहीं। अब हम इसमें बराबर बराबर दूरी पे 2 बॉल्स रख देंगे।
और इनके ऊपर से हम ऑयल से ग्रीसिंग कर देंगे। और अब हम इसे एक घंटे के लिए फिर से गर्म जगह पे रख देंगे ताकि ये वापस से फूल जाए। एक घंटे बाद देखिए ये वापस से फूल करके डबल साइज के हो चुके हैं। इनके ऊपर से हम थोड़ा सा सफेद तेल डाल देंगे और अब हम इसे एक प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे। ओवन को मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट किया था। अब हम इस बेकिंग ट्रे को अंदर डाल देंगे और बंस को हम 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और बंस देखिए पूरी तरह कुक हो गया है। अब हम इसे ओवन से निकाल लेंगे। देखिए बंस कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब हम इसके ऊपर से मेल्टेड बटर लगा देंगे ताकि जब ये ठंडे हों तो इनके ऊपर की परत सूखे ना। अब हम इन्हें रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारे सॉफ्ट कोकोनट सरप्राइज बंस बनकर के रेडी हैं। तो आप भी इसी तरह बनाइए कोकोनट सरप्राइज बंस और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।